मध्य प्रदेश में लगातार हो रही झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने 12 जिलों में अलर्ट किया जारी। मध्य प्रदेश में मानसून के एक्टिव होने पर झमाझम बारिश का दौर जारी है। बता दें कि रविवार को भी मध्य प्रदेश के कई शहरों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बारिश के 3 सिस्टम एक्टिव हैं, जिसकी वजह से बारिश लगातार हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें भोपाल में सुबह 5 बजे से ही लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार ट्रफ वेस्टर्न डिस्टरबेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव होने की वजह से प्रदेश में एक बार फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने आज इंदौर, उज्जैन सहित प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में उज्जैन, इंदौर, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, पांडुर्णा और छिंदवाड़ा शामिल है, जबकि राजधानी भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर सहित प्रदेश के अलरू जिलों में गरज चमक आंधी के साथ हल्की बारिश होगी। इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 3 दिन तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार कल 16 जुलाई को प्रदेश के सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, पांडुर्णा, बैतूल, खरगोन, बाड़वानी में तेज बारिश होगी, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर सहित बाकी जिलों में हल्की बारिश होगी। इसी तरह 17 जुलाई को इंदौर, उज्जैन, आगर, मालवा, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, विदिशा, छिंदवाड़ा और पांडुर्णा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बारिश की स्थिति लगातार बदलती जा रही है। आने वाले दिनों में भी मध्य प्रदेश में मानसून तेज गति से सक्रिय रहने वाला है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यदि भारी बारिश होती है तो इस समय आवश्यक स्थिति में ही घर से बाहर निकलें। इसके अतिरिक्त बिजली के खंभे, पेड़, तालाब के किनारे नहीं खड़ा रहना चाहिए। यहां पर बिजली गिरने की संभावना बनी रहती है।